फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है रोशनी और स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। तो गाइज, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं रेडी होकर निकल चुकी हूँ स्कूल के लिए। और स्कूल की यूनिफॉर्म है हमारी कुछ ऐसी, तो वहाँ पर ड्रेस कोड है तो ऐसी यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता है। तो ऐसी कुछ यूनिफॉर्म है मेरी ये। तो अभी फ़िलहाल मैं घर से निकल चुकी हूँ और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, तो फटाफट चलते हैं क्योंकि स्कूटी में फिर बारिश में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो निकलते हैं, अभी स्कूल में मिलती हूँ मैं। अभी मैं हूँ स्कूल में और सुबह इतना लेट हो गया था ना, ऊपर से इतनी बारिश हो रही थी सुबह, मतलब बहुत ही मुश्किल से पहुंची आज मैं स्कूल पे। रेनकोट वगैरह तो पहना हुआ था बट फिर भी मतलब बारिश में पूरा पानी ऐसे साइड से आता है ना मुँह पे, तो बड़ी मुश्किल से पहुंची, जैसे तैसे 5 मिनट लेट ही पहुंची बल्कि। तो फिर आज तो पहुंच गई और अभी भी मौसम बाहर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है, मतलब बारिश तो रुकी हुई है अभी फ़िलहाल बट कभी भी हो सकती है दोबारा से। तो फ़िलहाल अभी मेरा ब्रेक है, मतलब मेरा पीरियड खाली है अभी, तो मैं अभी थोड़ा सा बैठी हुई हूँ। तो अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं और मैं घर पे आ गई थी लगभग 2:15 के करीब। तो अभी हमने चाय वगैरह पी ली है शाम की और मम्मी रूही के साथ हैं अभी, और मैं फ़िलहाल जा रही हूँ घास के लिए इधर हमारे खेत में, क्योंकि बबली के लिए घास भी चाहिए। वैसे तो आज के लिए है बट कल मम्मी को कीर्तन में जाना है और फिर मैं उसके साथ रह लूँगी, तो फिर आज लाना पड़ेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो अभी चलते हैं। और दोपहर तक बारिश हो रही थी और अभी देखो काफ़ी तेज़ धूप आई थी, अभी फिर से बादल लगना स्टार्ट हो गए और कपड़े भी अभी धुले हैं बहुत सारे क्योंकि सुबह से लाइट ही नहीं है। आजकल यहाँ लाइट के इतने ड्रामे हैं ना, तो रात को चली जाती है 1-2 बजे और फिर दिन भर नहीं आती है। आजकल हमारी मिर्च के पौधों में भी काफ़ी सारी मिर्चें लग चुकी हैं सारे पौधों में, ये देखो। और 2-4 दिन पहले ही हमने इनकी खूब निराई करी है, बीच में काफ़ी ज़्यादा खरपतवार हो गई थी पूरे खेत में, तो वो साफ़ कर दिया आजकल। और इधर है हमारी बबली। काफ़ी टाइम से मैंने आपको पॉली हाउस नहीं दिखाया कि पॉली हाउस में क्या क्या है, तो आज फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ हमारे पॉली हाउस में आजकल क्या क्या हो रखा है। आजकल मुझे भी कम ही टाइम मिलता है पॉली हाउस में जाने का, क्योंकि शाम को तो मैं घर आती हूँ फिर ऐसे ही होता रहता है मतलब काम। तो यहाँ आना कम ही होता है मेरा। तो अभी आ गई हूँ मैं अंदर और अभी दिखाती हूँ आपको क्या क्या हो रखी है आजकल यहाँ पे सब्जियाँ। तो ये देखो, कुछ दिन पहले हमने शिमला मिर्च के पौधे लगाए थे यहाँ पे, तो ये काफ़ी बड़ी हो गई है। और 2-3 दिन मैंने शिमला मिर्च लेने के लिए आई थी मैं यहाँ पे, तो उसकी सब्जी आजकल हमने 2-3 दिन खा ली है शिमला मिर्च की, और काफ़ी सारी अभी लग रही है छोटी छोटी सी शिमला मिर्च के पौधों पर। और ये देखो हरी सब्जी थी बट अब तो हरी सब्जी आजकल खाने का मन नहीं करता, तो ये ऐसी बड़ी बड़ी और की है। फिलहाल इनको ऐसे रखा है क्योंकि इन पे बीज होना शुरू हो गए, तो बीज के काम आ जाएंगी अगले साल के लिए। और इधर दिखाती हूँ मैं आपको हमारे पॉली हाउस के टमाटर, ये देखो ऐसे वेस्ट हो रहे हैं, इतने सारे लग चुके हैं घर पर ऑलरेडी निकाले हुए हैं तो इतना खा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे वेस्ट हो रहे हैं। देखो बहुत ही सारे पूरे गिरे हुए नीचे, और खीरे भी लग ही रहे हैं थोड़े बहुत। तो आजकल बाहर ककड़ी भी हो चुकी है बहुत सारी, तो खीरे आजकल खीरे भी नहीं खाए जा रहे। ऐसा कुछ हाल है आजकल पॉली हाउस का। और अब तो काफ़ी लेट हो गया है, तो फिलहाल मैं चलती हूँ हमारे खेत में जहाँ से मुझे घास लेने जाना है, तो वहीं पे मिलती हूँ मैं डायरेक्ट। तो इधर से जाता है रास्ता रोड के लिए पूरा नीचे, और मैं आ गई हूँ इधर साइड को जहाँ को कि हमारे खेत हैं, तो खेत तो पास में ही है, तो वहीं पर चलते हैं खेत की तरफ। और आजकल इधर देखो क्या हरियाली हो रखी चारों तरफ। और आज मैंने सोचा था स्कूल में कुछ शूट वगैरह करूँगी, लेकिन उसके बाद फिर बच्चे मेरा फ़ोन मांग के ले गए क्योंकि अब रक्षाबंधन आने वाला है, तो थोड़ा बहुत रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन होगा स्कूल में, और उसके बाद है 15 अगस्त,
तो फिर आजकल बच्चे लगे हुए हैं, मतलब कल्चर एक्टिविटीज़ हो रही है, प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, तो उनको गाने वो करने के लिए, रिहर्सल करने के लिए फ़ोन चाहिए होता है, तो डेली वो फ़ोन लेके चले जाते हैं आजकल। मेरा तो बैटरी तो थी नहीं, और घर आके फिर लाइट भी नहीं थी, तो अभी लाइट आई है, थोड़ा सा फ़ोन चार्ज है, इसलिए अभी दोबारा व्लॉग कंटिन्यू किया है। तो स्कूल की एक्टिविटीज़ मैं फिर कभी दिखा दूँगी, तो स्कूल जाना ही है डेली, तो कहीं जाने लगो ना पहले ही आगे आ जाता है, हमसे भी आगे। उसको पता है हमारे खेत कौन से हैं, वहीं पे जाके बैठेगा। ये देखो जरा, मैं पहुंच चुकी हूँ खेत में, और इधर है हमारा खेत, और इधर पीछे तक है पूरा लंबा। तो इधर तो पूरा साफ कर दिया, तो मुझे मतलब ये झंगोरे का खेत है, तो इसकी निराई करनी है, बीच में जो खरपतवार होती है उसको साफ करना होता है। इधर को देखो, बहुत सारी खरपतवार होती है पूरी, तो जितना भी हो पाएगा अभी तो इसको साफ करना होता है। इधर को कल आएगा हम थोड़ा सा, और बाकी दिन मम्मी आते हैं। तो इधर को तो साफ हो चुका है, तो अब हम करेंगे इधर को। और तोतों ने खेतों में इतना उत्पात मचाया हुआ ना, वैसे तो तोता दिखने में इतना प्यारा पक्षी होता है, लेकिन खड़े खड़े देखो पूरे झंगोरी की जो बालियां हैं ऊपर ऊपर काट करके ले जाते हैं, मतलब पौधा खड़ा ही रहता है और ऊपर से पूरा झंगोरा साफ। इतने भयंकर तोते पूरे खेतों में बैठे हुए रहते हैं पेड़ों पे, मतलब पूरी फसलों का ऐसा नुकसान कर देते हैं पक्षी आजकल। और ये जो बांज के पेड़ हैं बड़े बड़े, इन्हीं पे इनके घोंसले रहते हैं, तोते छोटे पेड़ों पे नहीं बनाते घोंसले, जो बहुत बड़े बड़े रहते हैं ना, मतलब जहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है उन पे रहते हैं इनके घोंसले, बहुत ऊपर ऊपर ही देखो उड़ रहे हैं। पूरे झंगोरे की ऐसी हालत करी हुई है इन्होंने, क्या बताऊँ। ये देखो जरा, ऊपर ऊपर से पूरा काट के साफ करा हुआ है। अभी तो झंगोरा पकना स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तो केवल लग रहा है, और आधा आधा पूरा साफ कर दिया इन्होंने। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपना काम, और थोड़ा बहुत घास निकालने के बाद फिर मिलती हूँ वापस थोड़ी देर में। सावन के महीने में भी प्यासा घूम रहा है बेचारा, खेत में आ रहा है पानी पीने के लिए, आजकल चारों तरफ पानी पानी है और इसको यहीं पे मिला पानी। तो गाइस अभी काम खत्म हो चुका है, घास निकाल लिया मैंने और रस्सी में रख दिया इधर, तो अभी फिलहाल घास लेके चलते हैं घर, और काफी ज्यादा अंधेरा भी हो गया है, तो फटाफट घर चलते हैं। मैं घर में दादी हो चुकी है, और खाना बनना स्टार्ट हो गया है मेरा, तो दाल तो बन चुकी है, अभी सब्जी बना रही हूँ, और बस फिलहाल इतना ही। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ मैं, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती आपको बहुत ही जल्द नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, एंड टेक केयर।